इमानुएल परमेश्वर हमारे संग रहने वाले, हमारे साथ रहने वाले, हमारा सहायता मदद गार्ड करने वाले, हमारा उद्धार करने वाले प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का परमेश्वर, हमारे लिए चिंता करने वाले, हमारा ख्याल रखने वाले, हमारे परिवारों का ध्यान रखने वाले यीशु नासरी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं। इस सुंदर संध्याकाल के वक्त प्रभु आपका आदर और सम्मान करते हैं। आप महान है प्रभु, आप समर्थ हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप पूरे दिन हमें संभाले, हमारे परिवारों का ख्याल रखे प्रभु। इसके लिए प्रभु आपको लाखों लाख कोटि कोटि हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे तूने पूरे दिन संभाला वैसे ही स्वर्गीय पिता पूरे रात भी संभाल खुदा, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे परिवारों का ख्याल रख, ध्यान रख खुदा, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते प्रभु। अनुग्रह कर दीजिए प्रभु, दया कर दीजिए प्रभु, कृपा कर दीजिए, धन्यवाद करते हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे प्रिय प्रभु का भय मानिए हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु से डरिए, प्रभु के सामने थर थराइए हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वचन कहते हैं कि यहोवा के डरवाइयों के चारों ओर उसका दूध छावनी किए हुए उनको बचाता है हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। वचन क्या कहते हैं हालेलुया, वचन कहते हैं जब आप भजन संहिता की पुस्तक 34 अध्याय के उसका 7 पद के वचन को देखेंगे तो इसमें लिखा है कि जो लोग प्रभु का भय मानते हैं, जो लोग प्रभु से डरते हैं, जो लोग प्रभु के सामने थर थराते हैं, उनके चारों ओर प्रभु का दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, आप प्रभु से डरेंगे, प्रभु का भय मानेंगे, प्रभु के सामने थरथराएंगे तो प्रभु आपके निमित्त अपने दूतों को आज्ञा देगा कि उनका दूत आपकी रक्षा रखवाली करे, आपका देखभाल करे, हर एक प्रकार के खतरों से, दुर्घटना से, एक्सीडेंट से, महामारी से, कुटिल क्रूर मनुष्यों से, दुष्ट शैतान से आपको बचा करके रखे, रोग बीमारी से, समस्या से, उलझन से, कलह से आपको बचा करके रखे हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। दुर्घटनाओं से बचना चाहते हैं, खतरों से बचना चाहते हैं, एक्सीडेंट से बचना चाहते हैं, महामारी से बचना चाहते हैं, कुटिल क्रूर मनुष्यों से बचना चाहते हैं, दुष्ट शैतान से बचना चाहते हैं, बुरी नज़रों से बचना चाहते हैं, तंत्र मंत्र की शक्तियों से, जादू टोना से बचना चाहते हैं तो प्रभु का भय मानिए, उससे डरिए, उसके सामने थर थर आइए हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। भय मानने का अर्थ क्या है? प्रभु की आज्ञा का पालन करना हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के वचनों पर चलना, प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, प्रभु के वचनों पर चलते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं तो आपके अंदर प्रभु के प्रति भय है हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रभु अपने दूतों को भेजकर आपको बचाएगा हर एक प्रकार के खतरों से, दुर्घटना से, एक्सीडेंट से, बुरी नजरों से, तंत्र मंत्र की शक्तियों से, जादू टोना से, कुटिल क्रूर मनुष्यों से, दुष्ट शैतान से आपको बचाएगा, रोग बीमारी से, खतरनाक रोगों से आपको बचाएगा, जानलेवा बीमारी से आपको बचाएगा हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी तारीफ हो खुदा यीशु नासरी, धन्यवाद करते प्रभु। अनुग्रह कर दीजिए प्रभु, दया कर दीजिए प्रभु, कृपा कर दीजिए, प्रभुता कर दीजिए प्रभु। हाँ खुदा, इस सुंदर संध्याकाल के वक्त जितने लोग प्रभु आपके हजूरी में हैं, जितने जन प्रभु आपकी उपस्थिति में हैं, आपके पावन पवित्र चरणों के निकट घुटने पे हैं प्रभु, उनके ऊपर अनुग्रह कर, उनके ऊपर दया कर खुदा। प्रभु से अपने दूतों को उनके निमित्त आज्ञा दे
कि आपका दूत हर वक्त हर घड़ी उनको संभाले, उनका रक्षा रखवाली करे, उनके परिवारों का देखभाल करे खुदा। पापों से श्रापों से प्रभु जी बचा करके रखिए प्रभु, दुष्ट शैतान से प्रभु जी बचा करके रखिए प्रभु, हमारे परिवार को संभालिए प्रभु। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, हमारे मुख से जिस किसी के प्रति गलत वर्ड निकला प्रभु जी क्षमा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए प्रभु जी, हमारी हानि होने मत दीजिए प्रभु। हाँ मेरे प्रिय प्रभु, आपकी हानि होने नहीं देगा, आपका कुछ नुकसान होने नहीं देगा, आपका कुछ बिगड़ने नहीं देगा। प्रभु के ऊपर भरोसा रखिए, प्रभु संभालेगा। हमारा प्रभु दयावंत है, कृपयालु है, तरस खाने वाला है, शुद्धि लेने वाला है, प्रभुता करने वाला है, दया करने वाला है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आपको कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी धोखा नहीं देगा। आपका प्रिय मित्र आपको धोखा दे सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको कभी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि आप उसके बेटे हैं। वो आपको अपने हाथों से, अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। क्या कोई पिता अपने बच्चों को धोखा दे सकता है? अपने बच्चों का कुछ नुकसान कर सकता है? अपने बच्चों का हानि पहुंचा सकता है? नहीं। तो हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो हमारा हानि कैसे करने देगा? वो हमारा कुछ नुकसान कैसे करने देगा? वो हमें धोखा कैसे देगा? हालेलुया, हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं। तो जो स्वर्ग के सिंहासन के ऊपर विराजमान पिता है वो हमें अच्छी से अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? वो हमारा देखभाल क्यों नहीं करेगा? हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके ऊपर भरोसा रखिए, प्रार्थना कीजिए, उसके ऊपर विश्वास कीजिए। हालेलुया, प्रार्थना कीजिएगा तो आप आगे कर बढ़िएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, प्रार्थना से ही सब कुछ संभव है। प्रार्थना कीजिए। आपके जीवन में मुश्किलें आती हैं, घबराइए मत, प्रार्थना कीजिए। समस्या आता है, घबराइए मत, प्रार्थना कीजिए। उलझन, कलेश, रोग, बीमारी, दिक्कत आता है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है, घबराइए मत, प्रार्थना कीजिए। हमें प्रार्थना से जीतना है। हालेलुया, हाँ मेरे प्रियो, प्रार्थना से जीतना है। हालेलुया, हम उस खुदा के निकट हैं जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो सारे सृष्टि का पालनहार है, तारनहार है, सृजनहार है, जो सारे मनुष्य जातियों को बनाया है। हालेलुया, जो सूरज को बनाया, चंद्रमा को बनाया, तरागन को बनाया, और पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए उन सब को आकाश के अंतरों में रखा। हालेलुया, हम उस खुदा के बेटे हैं, बेटी हैं। हमें उसका भय मानना है, उससे डरना है, उसके सामने थरथराना है, तब उसका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे प्राणों की हानि के लिए जितने भी हथियार बनाए गए हैं वो सब नष्ट हो जाएगा। कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमारे प्रियो, एक भी हथियार हमारे ऊपर सफल नहीं होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का भय मानिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब प्रभु का भय मानेंगे तो प्रभु सारे विपत्तियों से आपको छुड़ाएगा, सारे दुख, दर्द, पीड़ा से, रोग, बीमारी से, कले से, उलझन से, समस्या से, प्रॉब्लम से आपको छुड़ाएगा, आपको छुटकारा देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो। खुदा प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। खुदा प्रभु अनुग्रह करते इसे, प्रभु दया करते इसे। प्रभु, जो लोग आपका भय मानते हैं, आपसे डरते हैं, आपके सामने थरथराते हैं, प्रभु उनका बचाव आपकी ओर से होने पाए, उनको सहायता, मदद, गार्ड आपकी ओर से मिलने पाए,
उनके जीवन में बदलाव आपकी ओर से होने पाए। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, प्रभु कृपा कर। खुदा धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, खुदा धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। मेरे प्रिय, जब आप भजन संहिता की पुस्तक 34 अध्याय के उसका 20 पद के वचन को देखेंगे तो इसमें लिखा है, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है वह, यानी कि परमेश्वर उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, किनकी? जो उसका भय मानते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। वो उनकी हड्डी की रक्षा रखवाली करता है, उनमें से एक भी हड्डी को टूटने नहीं देता। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का भय मानेंगे, प्रभु आपकी हड्डी हड्डी की रक्षा रखवाली करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, आपके बॉडी के किसी भी अंग की हड्डी को टूटने नहीं देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ मेरे प्रिय, जब आप प्रभु का भय मानेंगे, प्रभु आपके हड्डी हड्डी की रक्षा रखवाली करेगा, देखभाल करेगा, आपके किसी भी अंग की हड्डी को टूटने नहीं देगा, बर्बाद होने नहीं देगा, खराब होने नहीं देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, खुदा प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु अनुग्रह करते से, धन्यवाद प्रभु कृपा करते से, धन्यवाद प्रभु प्रभुता करते से, प्रभु से प्रभु तरस खाइए सुधिल से, प्रभु इसे सुंदर संध्या काल के वक्त प्रभु आपका धन्यवाद करते, इसे सुंदर शाम के वक्त आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, पूरे दिन संभालने वाले परमेश्वर, पूरे रात भी संभाली, अच्छी मीठी नींद दीजिए, सुकून भरी नींद दीजिए, सुख धन्यवाद करते, सुख की नींद दीजिए खुदा, धन्यवाद करते। आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते, महापवित्र खुदा, महाप्रतापी राजा आपका धन्यवाद करते, सेनाओं का युवा धन्यवाद करते, इसराइल का परमेश्वर धन्यवाद करते, जिंदा खुदा धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह करती से, प्रभु यीशु मसीह दया करती से, कृपा करती से, प्रभुता करती से, खुदा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जितने लोग बीमारी उनको चंगाई दीजिए, जितने लोग दुष्ट शैतान से ग्रसित थे उनको छुटकारा दीजिए, प्रभु अनुग्रह दया और कृपा कर दीजिए, धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, पढ़ाई करते, राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु ईश्वर का परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी संभाल करके रखे, रक्षा रखवाले कीजिए प्रभु, एक एक बच्चों को, एक एक नौजवानों को, एक एक बड़े बुजुर्गों को तेरे हाथों में देते, स्वर्गीय पिता संभाल करके रखिए प्रभु, सुरक्षित रखिए, धन्यवाद करते, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, खुदा प्रभु संभाली, रक्षा रखवाली कीजिए प्रभु, इसे सुंदर संध्या काल के वक्त प्रभु आपकी महिमा करते प्रभु जी, पूरे दिन संभालने वाले परमेश्वर, पूरे रात भी संभालिए प्रभु जी, प्रभु अनुग्रह कीजिए, सुखी की नींद दीजिए प्रभु, हम सब प्रभु अपने बिछौने में सुकून भरी नींद के साथ प्रभु सोने पाए। आने वाला दिन प्रभु, आने वाला समय हमारे जीवन में प्रभु ढेर आनंद, खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धियाँ लेकर आने पाए प्रभु। प्रभु हमें नए हर्ष और आनंद से भर दीजिए खुदा, धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा खुदा, धन्यवाद करते हैं। रक्षा रखवाली करने वाले खुदा, धन्यवाद करते, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते, पढ़ाई करते, प्रभु संभालिए, रक्षा रखवाली कीजिए प्रभु, अपने बलवंत हाथों को प्रभु हमारे ऊपर रखे, रहिए स्वर्गीय पिता प्रभु, अपने पैर हमारे सर पर बनाए रखिए प्रभु, अपनी अनुग्रह दया कृपा प्रभुता करुणा हमारे ऊपर बनाए रखिए प्रभु, अपने दया बाएं हाथों को प्रभु हमारे ऊपर रखे, रहिए ईश्वर के पिता, धन्यवाद करते हैं। जीवन देने वाले बहुत आयत के जीवन देने वाले खुदा, धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते, पढ़ाई करते, प्रभु अनुग्रह करते इसे, प्रभु दया करते इसे प्रभु, जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, प्रार्थना में नहीं लगता है, वचनों को पढ़ने में नहीं लगता है प्रभु, उनको आशीषित कीजिए प्रभु, उनके सारे प्रॉब्लम को, दिक्कत परेशानी को दूर कर दीजिए, ताकि
उनका मन प्रभु जी पढ़ाई में, वचन को पढ़ने में और प्रभु जी प्रार्थना करने में लग सके। प्रभु सहायता और मदद कीजिए, गाइड कीजिए, प्रभु आगे की ओर बढ़ाइए। एक एक लोग प्रभु आगे की ओर बढ़ने पाए, प्रभु आगे की ओर अगुवाई कीजिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, प्रभु आगे की ओर प्रभु अगुवाई करने वाले खुदा, ऊँचे पर नियुक्त करने वाले खुदा धन्यवाद करते, हर एक जरूरतों को आवश्यकताओं को पूरा करने वाले खुदा धन्यवाद करते, सारे प्रॉब्लम को नष्ट करने वाले खुदा धन्यवाद करते, दिक्कत परेशानी को खत्म करने वाले होली स्पिरिट धन्यवाद करते, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद करते माय लॉर्ड, लॉर्ड जीसस थैंक यू, जीसस धन्यवाद करते, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते प्रभु, अनुग्रह दे और कृपा कर दीजिए प्रभु, आपकी स्तुतियों की तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। होने दे प्रभु परमेश्वर हमारे साथ, प्रभु जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल हुए, उपस्थित हुए, जितने जन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे और विश्वास के साथ ग्रहण करें प्रभु, ये प्रार्थना उनके जीवन में बहुतायत की आशीष का कारण बनने पाए, सुख शांति समृद्धियां का कारण बनने पाए, नए हर्ष और आनंद के कारण बनने पाए, सहायता और मदद कर सफलता के कारण बढ़ने पर, उनके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आने पर स्वर्गीय पिता धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा और तारीफ हो, बढ़ाई हो खुदा धन्यवाद करते प्रभु, अनुग्रह करे खुदा दयालु कृपया लो अति करुणा में खुदा धन्यवाद करते, हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारा आदर महिमा सम्मान आपको मिले प्रभु जी धन्यवाद करते, आपका आदर महिमा सम्मान करते हुए आपकी तारीफ में बढ़ाई करते हुए प्रार्थना बिनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आमीन 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 और